तो दोस्तों कैसे हो आप लोग सब। आशा करता हूँ सही होंगे। तो हमारे पास अभी एक फ़ोन आया है। देखिए ये दो तिन दुकान से होके आया है। उन्होंने ट्राई किया था इंसर्ट सिम प्रॉब्लम सॉल्व करने का, बट उनसे नहीं हुआ। ठीक है, नोकिया का TA1030 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर था ये शॉर्ट था, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में ये लिंक जो है यहाँ पर जा रहा है, देखिए यहाँ पर जा रहा है, और ये दूसरा नंबर का पिन है जो सिम कार्ड में वर्क करता है। फर्स्ट सिम कार्ड है ये। ठीक है, ये सिम वन है, इसमें वर्क करता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये और ये पिन, फिर इस बीच में दो छोड़ने का, फिर ये जो पिन है ये अर्थिंग में जाता है। ठीक है, तो आपका सिग्नल यहाँ तक यहाँ आना चाहिए, और ये जो बीच में एक रेजिस्टेंस था जो ख़राब हो गया था वाटर डैमेज के हिसाब से, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और देखिए इस तरफ का सिग्नल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ में भी यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस था वो भी ख़राब हो गया था, देख पा रहे हो। देखिए फर्स्ट पिन ब्लैंक है, नॉट कनेक्ट है ये। दूसरे नंबर का जो पिन है यहाँ पर आएगा, यहाँ आना चाहिए, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस ही है। और ये जो तीसरा नंबर का पिन है यहाँ से होके यहाँ पे आएगा, और यहाँ से इस सिरे पे आएगा। ठीक है, आपको इसको भी शॉर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, भी रेजिस्टेंस ही है। यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि ये कैपेसिटर है। ठीक है, फ़ोन शॉर्ट हो सकता है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसको चेक कर लेना, अगर ये शॉर्ट है या फिर कोई दिक्कत है इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिम टू है, सिम टू में दिखा रहा हूँ, देखिए सिम टू का सिग्नल आपको यहाँ से मिलेगा, सॉरी सिम टू का सिग्नल यहाँ पे कैपेसिटर आता है, वो भी शॉर्ट था, वो भी मैंने हटा दिया है। ठीक है, ये सिग्नल यहाँ से होकर अंदर जाता है जो सिम को स्विच करता है, और एक सिग्नल यहाँ पे है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये दो सिग्नल है जो आपको देखना है, ये कैपेसिटर था इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, सॉरी कैपेसिटर नहीं था, ये एक रेजिस्टेंस था जो ख़राब हो गया था, ये भी मैंने उठा दिया, ये भी उठा दिया। ठीक है, तो ये दो सिग्नल है, एक सिग्नल यहाँ तक आके यहाँ तक आता है, और ये सिग्नल यहाँ से आके यहाँ तक आता है। ये रेजिस्टेंस जो है आपको चेक करना है, और यहाँ पे भी है रेजिस्टेंस जो इसको भी मैंने शॉर्ट कर दिया है। ये सिग्नल आपको यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसको शॉर्ट नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है कैपेसिटर है या रेजिस्टेंस है। अगर कैपेसिटर है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपका फ़ोन शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी ये काम करने के बाद में देखिए जो मेरा जो इंसर्ट सिम का इश्यू था वो सॉल्व हो गया ऑलरेडी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ चालू करके। ठीक है, ये सब मैंने रेडी कर दिया है अभी। ये देख सकते हो आप, मैं जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे ये वोडाफोन आ गया। ठीक है, सिम टू भी वर्क कर रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सिम टू भी वर्क कर रहा है। ठीक है, सिम वन इंसर्ट सिम, जो मैंने सिम वन में जो सिम कार्ड डाला था वही सिम कार्ड निकाल के मैंने सिम टू में डाला। ठीक है, और दोनों सिम कार्ड वर्क हो गया है। ठीक है, अभी आपको जो मैंने बताया था सिम कार्ड के लिए किस तरह आपको वर्क करना है, जो ओनली जो आपको यहाँ पर देखना है सब रेजिस्टेंस को चेक करना है, ताकि आईसी में कोई इशू होता नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करो यार,